चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गुप्ता जी, ये तो सारी दुनिया जानती है कि बैरिस्टर चड्ढा के पास जब कोई केस आता है ना, तो उस केस की तारीख बाद में मुकर्रर की जाती है, लेकिन उसका फैसला उससे पहले हो जाता है। औरत तो मर्द की जूती होती है, और ये औरत रसोई घर से निकलकर मर्दों को ललकार रही है। गुप्ता जी, दामिनी को हम दूसरे औरतों के लिए मिसाल बनने बिल्कुल नहीं दूंगा, पागल खाने भेज दूंगा। वो शराबी गोविंद बचाएगा उसे, पिछली बार भी उसे तारीखों में ऐसा उलझाया था कि कोर्ट का रास्ता ही भूल गया था, इस बार भी वही होगा। ऐसी नस दबाऊंगा कि चीख निकल आएगी। कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। दामिनी, जिस अदालत ने मेरी आरती के मौत का मजाक उड़ाया था, उस अदालत में मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। आपका ये सच जो उर्मी के हाथों मिला, और ये रहा उर्मी का हाथ, ये हाथ खून से लथपथ है, और आपके इस खत में खून का एक कतरा भी नहीं है। ऐसे कई सवाल उठेंगे इंस्पेक्टर कदम अदालत में। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे तो मर्द बनने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। सुनो, चड्ढा से कह देना गोविंद फिर आ रहा है अदालत में। Thank you.
मुझसे फिर अदालत में उलझने से बेहतर है गोविंद कि मामले को यहीं रफा दफा कर दे। चड्डा, तुमने बच्चों को बिजलियों के तार से पतंग उतारते हुए देखा है? कुछ तारे ऐसी होती है कि उसमें से उलझी हुई पतंग भी बच्चे उतार कर ले आते हैं। दामिनी के केस को छेड़कर तुमने ऐसे ही तार को छू लिया है चड्डा। बिजली का वो झटका दूंगा कि तुम झटकना भूल जाओगे। खूब तरक्की कर ली तुमने। कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को बढ़वागिरी कहते हैं। चिल्लाओ मत, वरना केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ होगा, वो भी ताबड़तोड़। चड्डा, समझाओ इसे। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए, मर्द उसे लेकर पैदा होता है। जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। और हाँ, अदालत में तुमने अगर बदतमीजी करने की कोशिश की तो बहुत मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रह जाएगा और तू पिटता रहेगा। मिलोर्ड, 1 तारीख को ये कहा गया कि दामिनी पागल है। मिलोर्ड, 1 तारीख को भी ये कहा गया था कि दामिनी पागल है और उसे पागल खाने भेज दिया गया। उस दिन शेखर सच कहने ही वाला था और ये चड्डा साहब ने फिर अपनी चाल चल दी और बीमारी का नाटक करके फिर से तारीख ले ली, वरना इस केस का फैसला उसी दिन हो गया होता। फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले कोई ट्रक मुझे मार के चला जाएगा और केस बन जाएगा रोड एक्सीडेंट का। और अब फिर तारीख देंगे, तारीख से पहले दामिनी को पागल करार कर दिया जाएगा और उसे पागल खाने भेज दिए जाएंगे। और आप फिर से तारीख दे दिया जाएगा। और इस तरह ना तो किस केस के लिए कोई लड़ने वाला रहेगा, ना कोई इंसाफ के लिए लड़ने वाला रहेगा। बस रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। इस तरह दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने भेज दिए जाएंगे और आप फिर से तारीख दे देंगे। और इस तरह इस केस के लिए ना तो सच्चाई के लिए कोई लड़ने वाला रहेगा, ना इंसाफ होने वाला रहेगा। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। होता रहा है मिलोर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। ना तो इंसाफ मिला और मिली है तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलोर्ड, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।